हेलो गाइस, आप सबका आरती बघेल ब्लॉग्स में स्वागत है एक नए वीडियो के। आपको चलिए घुमाऊंगी अपने कुल देवी। गाइस बहुत तेज धूप है सर, ये सब तैयार है सामान। गाइस आपको क्यों जा रहे हैं, वहाँ हमारे यहाँ पूजा होती है तो वो आषाढ़ और है उसमें किसमें अगहन होती हिंदी भाषा में, और इधर भी सामान निकल रहा है। गाइस लेडीजें चल दी हैं, जाएंगी और अब मैं तो गाड़ी से जाऊंगा, गाइस मैं पैदल नहीं चल पा रही हूँ। मिलिए रूबी से गाइस, अंधेरा। हाँ मुझे लगा, हाय ये रूबी आई है अपने यहाँ दिलवाने आई है। गाइस ननद ननद नहीं बहू की, नहीं बहू तो निकल ही नहीं रही कमरे से, उनको टाइम नहीं है ना, तो उनको टाइम लगेगा इससे इनसे। ये दो दो हो गई, इनकी दोनों की बधाई है, इन दोनों की बधाई है। गाइस अभी चलिए, गाइस चलते हैं। हाँ दूल्हा ना इतना सा डर, ये पुरानी हो चुकी है। गाइस इधर भी जाएंगे, आज पूरे टोला की लेडीजें जा रही हैं और बहुएं जा रही हैं। गाइस मेरा चेहरा तो दिखा दे, ये नहीं दुल्हन। गाइस यहाँ आ गए हैं और ये पेड़ के नीचे दोनों लोग सब लोग खड़े हुए हैं। गाड़ी चली गई मम्मी लोग को छोड़ने, हम लोग पहले चले आए। गाइस पहले ये पेड़ का छाव मिला बबूल का। गाइस आप लोग को कोई हमारे यहाँ ना अगर एक्सपायर हो जाता है तो फिर बधाइयाँ नहीं दी जाती साल भर, तो कम से कम 8-5-7-8 साल से बधाइयाँ नहीं है। बहुत सारी बहुओं की बची है बधाइयाँ गाइस, देवियों की और लड़के की भी बची, जैसे कि बहुओं की लड़का हुआ उसका भी बधाइया होता तब जाके अंदर देवी घुसती है। और इन लोग शादी में गई होंगे देवी जी के दर्शन करने तो बाहर से थप्पड़ लगा के चली आई हैं। गाइस अंदर नहीं गए, अब आज से देवी जी पूजा होगी उसके बाद फिर अंदर जाने लगेंगे। गाड़ी आ गई, बैक हो रही है गाइस, इसी में बैठ के हम लोग जाएंगे। हाँ चलिए पहुँच गए गाइस हम लोग, पर हम लोग यहाँ ये चंदन भी है गाइस, परवती जी भी आ गई हैं और ये नव्या है सो रही है, लेकिन अभी चलिए मेहनत करके हम लोग को पार करके। जब पहाड़ों में देवी जी बसती है ना, पास में देवी जी अपनी कुल देवी कोई भी देवी हो तो पहाड़ों में कहीं कहीं रहती है गाय से, घर के आसपास नहीं रहती। इस कीचड़ से हम लोग को पार करके जाना है देवी जी। यह तो नहीं चप्पल मारी घुस जाए गड़ जाए तो निकल ना फंस गए इनकी तो फंस ही गई गाइस चप्पल। होंगे कामयाब गाइस, पार हो गए किसी तरह हम लोग तीनों चारों लोग। गाइस ये मम्मी लोग बैठी हुई है गाइस, इधर ये पूजा हो रही है। जय देवी जी। सब बैठी हैं इधर, गर्मी बहुत, सबके मुंह में पसीना है पसीना। ये आ गई भाभी जी लोग एकदम गर्मी से लस्त पस्त। ये बच्ची बुआ जी भी ले आई हैं, सब परेशान गर्मी से। नमो क्या है, गर्मी लग रही है, है? देखो तू दो बेटी बेबी छोटे छोटे, और एक तुम हो गई छोटी बेबी, दो दो तीन तीन छोटे बेबी, और इन लोग भी आ गए गाइस, डैरे भी आ गई, अभी भी आ गए, सब आ गए। इधर ही लोग बैठी हुई तीनों लोग। मौसी लोग की पूजा चालू हो गई है गाइस, जैसे लोग आते गए हैं वैसे पूजा करते गए हैं। अब पूजा पता किस विधि से होती है, पहले ना नहलाएंगे फिर बेसन का लेप लगाएंगे, घोले रहते हैं फिर नहलाएंगे, फिर पूरा सुहाग का सामान चढ़ाएंगे, चार चार पपड़िया बेसन की एक और गेहूं की पपड़िया और कुछ सामान बनाए रहते हैं, सब देवियों को चढ़ाते हैं नौ देवियों को, और फिर उसी को बधैया बोलते हैं गाइस। और भी देखिए मौसी अपने नई बहू को लेने आई हैं, चारू और चंदन दोनों लोग जा रहे हैं। अब आज के बाद
बहू अंदर जा सकती है कुलदेवी के, गाइस इसी को बधाई है बोलते हैं। अब अंदर अपना थप्पा उप्पा लगाएंगी, चावल छिड़केंगी। देखिए लड़का पता है एक हाथ से थप्पा लगाता है और लड़की दोनों हाथ से लगाती है गाइस, ये हो जाती है बधाई। अब यही पूजा पाठ करें, पता है अगर लड़का ना हुआ ना कहीं गया बाहर ना, तो फिर बहू ही बस कर सकती, क्योंकि मेन बहू की बधाइयाँ होती है, क्योंकि बधाई दूसरे बहू दूसरे घर से आती है ना, तो हमारी कुलदेवी की पूजा करती है, उसके बाद वो अपना कर सकती है देवी देवता की पूजा, इसीलिए इसको बधाइयाँ बोलते हैं गाइस। अब देखिए अच्छी तरह से दोनों लोग पूजा कर रहे हैं गाइस, ऐसे सभी बहुओं की हुई है नंबर बाई गाइस। बहुत भीड़ थी गाइस तो मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई, फिर कभी मौका होगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है गाइस कैसे पूजा होती है। आज जैसे भीड़ तो कभी नहीं थी गाइस, देखिए चावल भी छिड़क दिए ऐसे ही, आज नई पुरानी दोनों बहुओं की हुई है, पांच बहुओं की, 8 साल बाद ऐसा मौका आया गाइस, तो कोई ना कोई ख़त्म ही हो जाता था गाइस, इसीलिए सब लोग कर लिए हैं जल्दी जल्दी। सब इधर डेरा रखा हुआ है सबका, ये सब हम अपने ही टोला के सब डेरा है गाइस पूरा। सर की बहुएं बाहर बैठी हुई हैं, एक एक करके पूजा होती जाएगी, सब अंदर आती जाए। चारू भाभी की हो गई, अब हेमा भाभी की होगी और मौसी करेंगी, सेम टू सेम जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही अब ये मौली मौसी करेंगी गाइस पूजा। और ये चुन्नी में गांठ बंधी हुई थी तो गर्मी में भाभी आई है तो निकाल रही है, अभी नई नई शादी हुई है ना इसलिए चारू भाभी की हुई, फिर हेमा भाभी की हुई, तो देखिए वो मौसी डांस की और भी चावल ऐसी तरह डाली है ऐसे मौसी भी, इसका मतलब बधैया पूरी हो गई। अब नगड़िया बजवाएंगी और यहाँ सब लोग जो लिए रहेंगे वो निछावर करेंगी, जो बधैया की पूजा करता है गाय से ये रानू भाभी गाइस है, जैसे लोग आते गए हैं वैसे पूजा होती गई। अब रानू भाभी की पूजा सेम वैसे ही होगी जैसे हुई है गाइस, अभी बच्ची भी दोनों की करेंगे गाइस सेम। गाइस पूजा पाठ हो गई, इधर की पूजा भी हो गई, उधर की पूजा भी हो गई है, अब पपड़िया बटने लगी, अभी सारी पपड़िया निकलेगी, सब लोग खाएंगे गाइस। मम्मी परेशान है, कहीं इधर जा रही है कहीं उधर जा रही है, हर जगह अपना अपना प्रसाद लगा रहे हैं गाइस। देवी जी में ना सिंगार का सामान चढ़ाए थे सब लोग, जिन जो बधैया दिए हैं तो ऐसे निकाल के अब सबको प्रसाद के रूप में एक एक दे रहे हैं गाइस, चूड़ी बिंदी और जो जिसको जो देना है, जो जो बधैया दी है दिए हैं पांचों लोग, सब लोग कर रहे हैं गाइस ऐसे ही सेम। अब प्रसाद बटने लगा गाइस बारी बारी से, तो जैसे जो बधैया दी रहती बहू तो अपने आंचल में प्रसाद लेके चार पपड़िया और एक रोट और बतासा, दूसरे सब जो बलौआ आई रहती है उनके ही आंचल में देती हैं गाइस, ऐसे ही सब करी हैं नई पुरानी सब पांच बहुएं गाइस करी हैं ऐसे ही सेम। Yeah.
से तीन जगह लोग बांट चुके हैं, अब ये बांटने लगे हैं। हाँ बिल्लाई ना ये गाइस सब लोग अब जा रहे हैं, सबकी पूजा पाठ हो गई, अब चलते हैं सब लोग घर। गाइस इतना प्रसाद पा गए हैं, कुछ नहीं ये लेडी कुछ जा रही हैं, कुछ पैदल चलेंगी, कुछ गाड़ी से चलेंगी, सब अपने अपने डेरा लेके चल दिए हैं। गाइस अब चलते हैं, कुछ लोग आगे चले गए हैं, कुछ लोग पीछे जा रहे हैं, ये सब लोग खड़े हुए हैं गाड़ी के इंतजार में, कुछ लोग बैठ गए गाइस हम लोग गाड़ी में, अब चल रहे हैं घर। नीरज तो मैं नीरज से बताई हूँ। सब आ गए हैं घर, घर आके खाना खा रहे हैं, बहुत भूख लगती है, 4 बज गए थे। और इसमें ना बताइए में कड़ी जरूर बनेगी, चाहे कुछ बने चाहे ना बने कड़ी जरूर बनेगी। तो हम मौसी के यहाँ ही आए हैं, तो इधर मम्मी खा रही हैं, इधर भाभी जी खा रही हैं और इधर मैं खा रही हूँ। गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बहुत भूख लगी थी, ऐसे ही होती है हमारे यहाँ।